आज मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी चार्जशीट रिलीज कर रही है। लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पिछले एक साल से और छः महीने से लगातार चार्जशीट की कहानी हिमाचल के लोगों को सुना रहे हैं। आज तक ना कोई चार्ज मिला उनको, ना कोई चार्जशीट बनी। लेकिन वह आनन फानन में आज वो चार्जशीट रिलीज कर रहे हैं, ऐसा प्रेस के माध्यम से ही हमको ज्ञात हुआ है। और कांग्रेस की मजबूरी मैं समझता हूं, जयराम सरकार के खिलाफ तो कोई चार्ज मिल नहीं सकता, क्योंकि इस सरकार ने तो लगातार प्रदेश के विकास के ही काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं विकास की दृष्टि से। और अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट बना रहे हैं। अब कुछ दिनों से थोड़ा थम गया, शायद आपसी समझौता कर लिया उन्होंने कि अब एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट बाद में बनाएंगे, पहले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ही चार्जशीट बनाई जाए।